So firstly, Indraesh ji, welcome to our channel. Thank you. And many congratulations aapki itne bade brand ke saath, Heera Mandi aur ek anokha, you know, kirdar. What was the challenging part? Aur agar jab approach kiya gaya, kya dimaag mein sabse pehla hai? मुझे श्रुति महाजन जी के यहाँ से फ़ोन आया, उनके ऑफिस से, और गंगूबाई के लिए भी वहीं से फ़ोन आया था. तो उन्होंने कहा ये कैरेक्टर है, और इसमें उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया. 1940 का लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, माय इंसेस्ट्रल, माय पेरेंटल साइड एंड मैटर्नल एंड पेटर्नल बोथ आर दे हेल फ्रॉम यू नो लाहौर, रावलपिंडी एंड सरगोधा. तो वो कहानियाँ फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स, जब पार्टीशन नहीं हुआ था हिंदुस्तान का, तो सुनी हुई थी. कुछ भी सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं लिया. द मोमेंट आई गॉट टू नो, आई हर्ड अबाउट दिस कैरेक्टर, दैट दे ट्राइंग टू ऑडिशन मी एंड दे वॉन्ट मी टू ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर. मैंने फ़ौरन कहा ये कैरेक्टर मैं ही करूँगा, और मेरे लिए बना. एक इंट्यूटिव इनर वॉइस थी, और इंट्यूटिवली आई न्यू दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर. आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस. गंगूबाई में भी आपका बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था, इसमें भी इंटेंस कैरेक्टर है. व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट, यू नो, बीइंग अ बाइसेक्सुअल और ये प्ले करना इन दिस मूवी हीरा मंडी, क्या चैलेंजिंग था? मैम, जब आप ईमानदारी से कोई कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, चैलेंज वहीं से शुरू हो जाता है. एम आई राइट? व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सैटिस्फाइंग योर डायरेक्टर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. द राइटर्स, द होल डायरेक्शन टीम, द क्रिएटिव टीम, द कैमरा टीम, टेक्नीशियंस, बैक ऑफ द माइंड, उनकी नॉड, उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. I surrender, and then you tame me, then you mold me. आधा challenge मेरा वहीं दूर हो जाता है जब explanation, briefing of the character सही तरीके से दे दी जाती है. तो बाकी जो होता है, जो observation आपने ज़िंदगी में की होती हैं, आपके experiences होते हैं, कुछ पढ़ा होता है आपने characters के बारे में और घटनाओं के बारे में, वो मदद करता है. एंड आई थिंक वंस द होल टीम इज ओके विद, देन यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड योर लुक, योर पोर्ट्रेयल, योर लैंग्वेज, न्यूएंसेस, आई थिंक देन यू गो विद द फ्लो. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू आर ऑनेस्ट विद द अप्रोच. बट इफ आई टॉक अबाउट यू नो स्टडीज अबाउट दिस कैरेक्टर, did you study about the character, did you meet somebody, or what kind of help you took for, you know, coming into this character? मैं मैंने ऐसा स्टडी तो कुछ नहीं किया था. ऑनेस्टली बोलूँ, थॉट्स आते हैं दिमाग में, फ्लैशेज होते हैं. लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे शायद कोई जर्नलिस्ट का कैरेक्टर मिले, तो मैं शायद कुछ न्यूएंसेस आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ कैप्चर करता चला जा रहा हूँ. दैट्स मी. थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया. आई ऑब्जर्व, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स डू. आई कांट कॉपी यू, बट आई विल कीप दैट दोज न्यूएंसेस इन माइंड, एंड देन दैट विल हेल्प मी टू पोर्ट्रे, एनहेंस द कैरेक्टर विद दोज न्यूएंसेस इन माई ओन सटल वे, और यू नो विच एवर वे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. वो कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ मेरे दिमाग में था. मैंने जैसे 1940 रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर, उस्ताद जी कैरेक्टर का नाम उर्दू बोलता है. वो अरबी उर्दू तो बोली नहीं जाती थी उस ज़माने में, पार्टीशन नहीं हुआ था. तो आज भी अगर आप देखें पाकिस्तान में पंजाबियत वाली उर्दू बोली जाती है. सऊदी अरेबिया में अलग उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ अलग है. तो अरबिक उर्दू नहीं थी. जुल्फ़िकार, तो जुल्फ़िकार वो जो, तो जुल्फ़िकार ही बोलते थे. नुक्ता पंजाबियत ज़्यादा थी. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. तो मैंने वो न्यूएंसेस भी पकड़ी,
और चूंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स माय ग्रैंड मदर वॉज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल इंग्लिश और मैथ्स 1950-40 में वो 40-42 में पढ़ाया करती थी. दादाजी पढ़े लिखे थे. माय पापा एंड ये लोग की उर्दू का तलफ़ुज ज ज का फ़र्क कान में बचपन से था. तो गज़ल नहीं बोलना कभी भी, गज़ल ही बोला. और हाँ, पंजाबियत वाली उर्दू थी.